हाय गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की एक सिंपल सी सब्ज़ी तो इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ इसे हम लोग रोज़ इस तरह से बना के खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए आइए देखते हैं कि आलू गोभी की सब्ज़ी कैसे बनती है तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए इसे मैं सबसे पहले ब्लांच कर लूँगी ब्लांच करने के लिए एक कढ़ाई में पानी लेंगे उसे गर्म कर लेंगे तो जब पानी गर्म हो जाएगा उसमें गोभी डाल देंगे और इसे कवर करके थोड़ी देर रख देंगे इसे क्या होगा कि गोभी में जितने भी कीड़े मकौड़े होंगे या जो भी दवाई वगैरह जो डाला जाता है इसमें वो सारे निकल जाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी हो जाएगा इसे इस तरह से बनाने से हमारे लिए गोभी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है हेल्दी रहता है तो चलिए अब इसे कवर करके रख देते हैं और इसे एक मिनट के लिए इस तरह से उबाल लेते हैं अब मेरा गो मेरी गोभी ये बॉयल हो चुकी है तो अब मैं इसे पानी से निकाल लूँगी और अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें जीरा डालूँगी जीरा साथ ही में मैं डाल दूँगी इसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ी सी काला सरसों लक मस्टर्ड ये साड़े जब थोड़े से क्रैकल हो जाएंगे तब मैं इसमें आलू डाल दूंगी अब ये जीरा मेरा लाल हो चुका है तो अब मैं इसमें आलू डाल दे रही हूँ और इसे मिक्स कर लूँगी और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और अब मेरे ये आलू थोड़े से फ्राई हो गए हैं तब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज को भी मिक्स कर लूँगी और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी तो यहाँ मेरे आलू और प्याज़ फ्राई हो गए हैं तो आइए अब इसमें जो ब्लांच किए हुए गोभी थे उसे भी डाल देती हूँ और इसे भी आलू प्याज के साथ मिक्स करके और इसे भी थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ फ्राई कर लेती हूँ इसे कवर करके रख दूँगी और ताकि ये थोड़ा कुक भी होता रहे तो अब मैं इसमें कवर तो यहाँ अब मेरी आलू गोभी फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसमें हल्दी डाल दे रही हूँ छोटे स्पून से बिल्कुल ही हाफ़ स्पून में हल्दी डाल रही हूँ और साथ ही में मैं इसमें नमक डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार डाल दे रही हूँ तो मैं ये नमक डाल दी हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ मेरी सब्ज़ी फ्राई हुई है कि नहीं तो मेरी ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है और अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च बिल्कुल ही हाफ स्पून मैं इसमें लाल मिर्च डाल डाल दूँगी आप अपने स्वाद के अनुसार अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको कम पसंद है तो आप कम कर सकते हैं अब मैं इसमें वन स्पून बिल्कुल छोटे से स्पून से एक स्पून धनिया डाल रही हूँ एक स्पून ज़ीरा डाल रही हूँ और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी तो ये मेरे मसाले फ्राई हो गए हैं मसाला फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो ये मेरे मसाले फ्राई हो गए हैं और अब मैं इसमें एक टमाटर डाल दे रही हूँ अब मैं टमाटर मिक्स कर ले रही हूँ और इसे मैं कवर करके रख दूंगी ताकि टमाटर थोड़े से गल जाए तब तो मैं इसे रख दे रही हूँ तो ये आइए अब देख लेते हैं कि हमारे टमाटर गले हैं कि नहीं तो ये मेरे टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं बहुत ही अच्छे से मसाले भी फ्राई हो गए टमाटर गल गए हैं और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी गोभी में ज़्यादा पानी नहीं लगता है बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे ज़्यादा पानी डालने से इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा कम पानी डालेंगे और इसे कवर करके कुक करेंगे तो इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और अब मैं इसमें हाफ इंच अदरक का टुकड़ा इसमें ग्रेट करके डाल दूँगी तो अब मैं इसमें ग्रेट कर लेती हूँ वैसे मिक्स करके वापस से कवर करके रख देंगे तब मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि मेरी सब्ज़ी हुई है कि नहीं तो इसे देख लेते हैं ये बिल्कुल ही कुक हो गई है बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है अब मैं इसे इसका पानी ड्राई कर लूँगी इसे खुला छोड़ दूँगी इस तरह से और इसका पानी पूरा सूख जाएगा और अब मैं इसमें थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे रही हूँ और साथ ही मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दी हूँ और आप देख सकते हैं कि इसका पानी बिल्कुल सूख गया है और इसे अब ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है तो चलिए आइए इसे अब मैं सर्व कर लेती हूँ तो मेरी ये गोभी आलू की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है मैं बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ और इसे आप डेली बना के खा सकते हैं इस तरह से बहुत ही इजी है आपको मेरी ये सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग